दो बिल्लियाँ और बंदर। एक शहर में दो बिल्लियाँ थी, वो दोनों साथ साथ खेलती और खाना भी साथ साथ ढूंढती। एक का नाम था लूसी और दूसरी का नाम था पूसी। दोनों खाने के लिए बहुत झगड़ा भी करती थी। दोनों चोरी करने में बेहद माहिर थी। जब भी किसी के घर का दरवाजा खुला रह जाता, वो तुरंत जाकर रसोई से दूध पी लेती। एक बार वे दोनों खाने की तलाश में घूम रही थी, अचानक रास्ते में उन्हें एक रोटी दिखाई दी। लूसी ने कहा, अरे वाह, ये कितनी स्वादिष्ट रोटी है, मेरा तो खाने का इंतजाम हो गया। पूसी ने कहा, क्या कहा, यह रोटी मेरी है, मैंने इसे पहले देखा था, तुम जाओ यहाँ से। लूसी ने कहा, क्या, तुम हमेशा दूसरों का खाना खाती हो, दूसरों से छीनती हो, चली जाओ यहाँ से, ये मेरी रोटी है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, यह रोटी मेरी है, लालची कहीं की, मेरी 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 मेरी। दोनों बिल्लियाँ जोर जोर से रोटी के लिए आपस में झगड़ने लगी। तभी वहाँ उनका दोस्त बंदर आ गया। बंदर ने कहा, इतनी सी बात पे क्या झगड़ना, मैं इस रोटी को आधा कर देता हूँ, तुम दोनों उसे खा लो। हाँ बंदर, हमारी बहुत मदद हो जाएगी, ये तो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। लो, हो गए रोटी के दो टुकड़े। नहीं नहीं, इसमें एक छोटा है। लाओ, मैं अभी बराबर कर देता हूँ। अरे ये अभी भी छोटा है। लाओ, मैं फिर बराबर कर देता हूँ। बस इसी तरह चालाक बंदर ने थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी को खा लिया और दोनों बिल्लियाँ यह देखकर सर पकड़ने लगी। अरे ये हमने क्या किया, ये चालाक बंदर तो हमारी रोटी खा गया। ठीक ही कहा है किसी ने, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तो हम दोनों बांट कर इस रोटी को खा लेते, है ना पूसी। Please subscribe.